नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर दिल्ली में आपात कदमों की घोषणा। दम घुटे धुएं के प्रभाव के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई आपात उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सम विषम योजना लाने की संभावना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल की आपात सेवाएं और मोबाइल टावरों को छोड़कर सोमवार से अगले 5 दिनों तक सभी डीजल युक्त जनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। केजरीवाल ने लोगों से घरों के अंदर रहने और संभव हो तो घर से ही काम करने की अपील भी की। दिल्ली सरकार ने कोयला आधारित बदरपुर बिजली संयंत्र को प्रदूषण का एक अहम स्रोत मानते हुए सोमवार से 10 दिनों तक बंद करने का फैसला किया। इसी बीच अगले 3 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। शहर में कृत्रिम बारिश कराने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि करीब एक हफ्ते से दिल्ली में छाई धुंध और धुएं की घनी चादर से हवा की गुणवत्ता रविवार को इस मौसम के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में रही हवा की औसत गुणवत्ता के अब तक अधिकतम सीमा पार करने की भी आशंका है। सांसों के जरिए फेफड़े में दाखिल होने वाले प्रदूषक कण PM 2.5 और PM 10 का स्तर कई स्थानों पर सुरक्षित सीमा से 17 गुना ज्यादा रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सफर की ओर से संचालित निगरानी स्टेशनों का हर घंटा वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से ज्यादा रहा, जो अधिकतम सीमा से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञ ने कहा कि हालात कमोबेश वैसे ही है जैसे लंदन में 1952 द ग्रेट स्मॉग के दौरान थे। ग्रेट स्मॉग के दौरान करीब 4000 लोगों की असामयिक मौत हो गई थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की अनुमित्रा राय चौधरी ने कहा कि यदि ऐसा ही स्तर बना रहा तो दिल्ली में भी असामयिक मौतें हो सकती है। अनुमित्रा ने दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों और बिजली संयंत्रों को बंद करने के आपातकालीन उपायों का स्वागत किया। बहरहाल इससे वाहनों के पहलू को शामिल नहीं करने पर अफसोस भी जताया। और अब नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, 2 जवान शहीद। IS ने अमेरिकी चुनाव के दिन मतदाताओं के कत्लेआम का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध नक्सलियों के हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। लापता छात्र नजीब मामले में राष्ट्रपति से मिले अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण कानून कृषि के रास्ते की अड़चन न बने।